बच्चों, आपने जो है सार्वजनिक क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को समझा है, तो अगर हम इसके अर्थ को अगर समझें तो हम सार्वजनिक क्षेत्र को इस तरीके से समझ सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में वे सभी उपक्रम आते हैं जो कि व्यवसाय करते हैं और आर्थिक रूप से धनार्जन करते हैं या आर्थिक क्रियाएं करते हैं, हम ये कह सकते हैं। अगर इसको और अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से समझें तो इनमें हम उन संस्थाओं को नहीं ले सकते जो कि आर्थिक क्रियाएं या व्यावसायिक क्रियाएं नहीं करती हैं, जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स हुए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हुए, ये जो संस्थाएं हैं ये जो हैं इनको हम सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत नहीं ले सकते। अब सार्वजनिक उपक्रम में क्या होता है, जो सारे अधिकार होते हैं, सारे दायित्व होते हैं, प्रबंधन, नियंत्रण, संचालन जो भी होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है या सरकार के हाथ में होता है, उसमें पूरी तरीके से सरकार का हस्तक्षेप होता है। जैसे कि आपने निजी कंपनियों में देखा हुआ है कि उनका उनमें क्या होता है कि वो गवर्नमेंट के रूल्स के बेसिस पे काम करते हैं, लेकिन उनका ओनर कौन होता है, कोई एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति होता है। लेकिन जब हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो उपक्रम कार्य करते हैं या जिन उपक्रमों को लिया जाता है वे उपक्रम भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं। अगर हम एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखें तो आप जो हैं शासकीय बैंकों को देख सकते हैं, राष्ट्रीय बैंकों को देख सकते हैं, जैसे कि यूको बैंक हुआ और इसके और भी बहुत सारे बैंकों के नाम आप जानते हैं। और जब इन बैंकों के होर्डिंग्स आप देखते हैं, जब बैंकों के बाहर इनके नेम प्लेट्स या होर्डिंग्स टंगे रहते हैं, तो उन होर्डिंग्स में नीचे की ओर आप हमेशा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ पाते हैं जिसमें लिखा रहता है भारत सरकार का उपक्रम, या इंग्लिश में लिखते हैं इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो बच्चों, ये था सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ। आइए अब हम इसे और अच्छी तरीके से कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझते हैं। और जो है पहली परिभाषा कुछ इस प्रकार है, प्रोफेसर एस एस खेरा के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम का अभिप्राय उन सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आर्थिक क्रियाओं से है जो केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार या दोनों तंत्रों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाती है। एक और परिभाषा देखते हैं जो कि डॉक्टर राय चौधरी एवं चक्रवर्ती ने दी हुई है। उनके अनुसार जो है राजकीय उपक्रम एक ऐसी संस्था है जिस पर या तो राज्य का स्वामित्व हो या जिसकी प्रबंध व्यवस्था राजकीय तंत्र द्वारा संचालित की जाती हो अथवा जिसका स्वामित्व और प्रबंध राज्य के अधीन हो। तो बच्चों, अगर निष्कर्ष निकालें इन दो परिभाषाओं का तो यह स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है या हम इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनमें उन सभी उद्योगों को और व्यावसायिक इकाइयों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है जो कि आर्थिक क्रियाएं करते हैं या व्यावसायिक क्रियाएं करते हैं। और इनमें अधिकार किसका होता है या इनका उत्तरदायित्व कौन लेते हैं, इनमें पूरा जो प्रबंधन है, नियंत्रण है, संचालन है, ये जो क्या करेगी, या तो राज्य सरकार के हाथ में होगा या केंद्र सरकार के हाथ में होगा या इन दोनों के हाथों में होता है। तो अब हमने क्या किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम को अच्छी तरीके से समझ लिया है। आइए अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं और अच्छी तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी तक आपने कॉन्सेप्ट, मीनिंग और कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझा, तो इसका जो पहली विशेषता है वो कहती है राजकीय स्वामित्व यानी स्टेट ओनरशिप। जैसे कि आप निजी क्षेत्र में जानते हैं कि इसका जो ओनर होता है निजी क्षेत्र का, या तो कोई इंडिविजुअल हो सकता है या वो पार्टनरशिप बेसिस पे कर सकते हैं या जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं सहकारी समितियों के द्वारा ही वो निजी क्षेत्र चलाए जाते हैं। लेकिन यदि हम सार्वजनिक उपक्रमों की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो स्वामित्व होगा वो राजकीय होगा, या तो ये पूर्णतया राज्यों का होगा या केंद्रों का होगा या फिर उन दोनों का मिला जुला शासन के अंतर्गत ये उपक्रम चलेंगे।
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की ओर। अगली विशेषता कहती है कि राजकीय नियंत्रण, यहाँ पे जो कंट्रोल होगा या नियंत्रण होगा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ प्रबंधन, संचालन, साथ ही साथ नियंत्रण जो होगा राजकीय होगा, जो कि सरकार के द्वारा ये सारी गतिविधियों को क्या संचालित किया जाएगा और नियंत्रित किया जाएगा, और इन व्यावसायिक इकाइयों को या आर्थिक क्रियाओं पर उनके पूरे उत्तरदायित्व होंगे, उनके अधिकार होंगे, और साथ साथ उन्हीं के अंतर्गत, उन्हीं के निर्देशानुसार ये उपक्रम काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरी विशेषता देखते हैं। तीसरी विशेषता कहती है वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पे क्या होता है कि जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं वो पूंजी विनियोग के द्वारा क्या करते हैं, आर्थिक या वित्तीय क्रियाएं करते हैं, लेकिन आजकल उदारवादी नीतियों के कारण क्या होने लगा है, जो सरकार है वो जो है जनता से टैक्स एकत्रित करती है, उसके द्वारा या जनता जब ऋण लेती है उस पर जो ब्याज देती है, उसके द्वारा जो फंड इकट्ठा होता है उसके द्वारा इन जो है पूंजी को उपयोग में लाती है वित्तीय व्यवस्था के लिए या आर्थिक क्रियाओं के लिए। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर वित्तीय स्वतंत्रता भी पाई जाती है। तो चौथा बिंदु कहता है या चौथी विशेषता इसकी है कि सेवा का उद्देश्य। यहाँ पे जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं या सार्वजनिक उपक्रम हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है सेवा भावना। ये किस प्रकार होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि डाक या तार जो सेवा है, या फिर आप देख सकते हैं इसके अलावा रेलवेज़ की जो सेवा है, ये जो सारी सेवाएं हैं ये सेवा के उद्देश्य से चलाई जाती हैं। कई बार क्या होता है इनमें लाभ के साथ साथ हानियां भी होती है, पर क्या होता है अब इन हानियों को भी अफोर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सेवाएं चलाई जा रही हैं या जो ये विभाग चलाए जा रहे हैं वो केवल सेवा के उद्देश्य से ही चलाए जा रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इसकी पांचवी विशेषता, जो कि कहती है जनता के प्रति उत्तरदायित्व यानी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ये जो होते हैं जो सार्वजनिक उपक्रम, वो जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदेय होते हैं। किस तरीके से कार्य किया जाए, कितनी अच्छी तरीके से सेवा दी जाए कि क्या हो सके, जो जनता है वो संतुष्ट हो सके, उसको सही कीमत पर सही वस्तु सही समय पर प्राप्त हो सके, ये सारी गतिविधियों को नियंत्रित करना, प्रबंध करना इनका, और इनका संचालन करना, और इस उद्देश्य को प्राप्त करना कि किसी भी तरीके से जो जनता है वो संतुष्ट रहे, इसके उत्तरदायित्व कौन लेता है, सरकार लेती है और सार्वजनिक उपक्रम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी छठवीं जो विशेषता है वो कौन सी है। छठवीं विशेषता है वो है प्रबंध में नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है किसी भी मुद्दे पर अगर डिसीज़न लेना है तो वह इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है कि वो टाइम टेकिंग हो जाता है, मतलब बहुत सा समय लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्य ऐसे भी होते हैं कि वह देरी से होते हैं या उनको पूरा होने में थोड़ा समय लग जाता है, जो कि यह भी इसकी विशेषता के अंतर्गत आती है। अगली विशेषता की ओर चलते हैं, देखते हैं कि अगली विशेषता क्या है। अगली विशेषता है मधुर औद्योगिक संबंध यानी हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। अब चूंकि ये जो उपक्रम है ये नेशनल बेसिस पे काम कर रहे हैं या राष्ट्रीय तौर पर कार्य कर रहे हैं, तो इनके बीच जो संबंध होते हैं वो मधुर औद्योगिक संबंध होते हैं, क्योंकि इनमें जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं बहुत छोटी नहीं होती, वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और इन आर्थिक क्रियाओं में सामंजस्य बनाए रखना और इन आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित चलाना जो है इन सार्वजनिक उपक्रमों का कार्य होता है। और जब इन हम मधुर औद्योगिक संबंध की बात करते हैं तो चूंकि इनके प्रबंधन में काफ़ी शिक्षित लोग पाए जाते हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पे जो संबंध बनते हैं इन औद्योगिक उपक्रमों के बीच वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की ओर। अगली विशेषता कहती है कि सभी वर्गों के लिए उपयोगी।
तो ये जो व्यवस्था है या सार्वजनिक उपक्रम है, ये सभी वर्गों के लिए उपयोगी है, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, या चाहे निम्न वर्ग का हो। आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे डाक तार सेवा, ये सभी वर्गों के लिए उपयोग में आती है। जैसे रेलवे की सेवा, वो भी सभी वर्गों के लिए उपयोग में आती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेक्टर्स होते हैं, चूँकि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इनमें क्या होता है, काफ़ी वित्त लगता है, काफ़ी रिस्की होते हैं, साथ साथ क्या होता है, ये जो सेवा वाली उपक्रम होते हैं, ये सभी वर्गों के लिए सेवा देते हैं या सभी वर्गों के लिए उपयोगी पाए जाते हैं। हम अंतिम विशेषता की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम विशेषता कुछ इस प्रकार है, वह कहती है कि कुछ क्षेत्र में एकाधिकार, मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स। देखिए अब क्या होता है, जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं कभी कभी इतने एक्सपेंसिव होते हैं या इनकी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं इतने हाई लेवल पे होती हैं कि वहाँ पर इन सार्वजनिक उपक्रमों का होना ज़रूरी है, उनका निजीकरण नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर मोनोपोली मेंटेन की जाती है। जैसे कि रेलवे को आप देखें या डाक या तार सेवा को देखें, ये जो सेक्टर्स हैं या ये जो डिपार्टमेंट हैं, हम कह सकते हैं ये जो हैं बहुत बड़ी इकाइयां हैं अपने आप में, या बहुत बड़े उपक्रम हैं, या व्यावसायिक इकाइयां हैं, या आर्थिक क्रियाएं ये करते हैं। तो यहाँ पे इनका मोनोपोली होना ज़रूरी है या इनकी मोनोपोली पाई जाती है। मोनोपोली में, जैसे मैंने आपको बताया कि मोनोपोली को हम क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। तो ये जो कुछ क्षेत्र थे वो मैंने आपको दो क्षेत्र बताए, उदाहरणार्थ पहली रेलवे और दूसरी डाक तार सेवा। तो बच्चों इस तरीके से हमने सार्वजनिक क्षेत्र के अर्थ को समझा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, उसकी विशेषता का समझा। अब आइए देखते हैं कि उससे होने वाले लाभ क्या क्या हैं। आइए अब इनके हम कुछ लाभ देख रहे हैं। लाभ में अगर हम पहले बिंदु को देखें तो कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था की दोषों से मुक्ति। अब बच्चों जब भी जो है सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना या विकास होता है, उससे क्या होता है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है उस वो जो दोष है उससे जो है व्यावसायिक इकाइयों को मुक्ति मिलती है या व्यावसायिक वातावरण को मुक्ति मिलती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बिंदु या दूसरा लाभ देखते हैं। दूसरा लाभ कहता है कि आधारभूत एवं जनोपयोगी उद्योगों की स्थापना तथा विकास। अब इसमें कौन कौन से ऐसे उद्योग आ सकते हैं, क्या बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसमें जो जल आपूर्ति है, विद्युत आपूर्ति है, साथ ही साथ यातायात एवं संचार है, ये सारे उद्योग आते हैं जो कि क्या है, लोगों की मदद कर सकते हैं या जनोपयोगी हम इन्हें कह सकते हैं। तीसरा जो लाभ है वो कहता है अधिक जोखिम तथा पूंजी वाले उद्योगों की स्थापना। यहाँ पे जैसे बात कर सकते हैं कि जो निजी इकाइयाँ हैं उनकी स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर अधिक जोखिम भी होता है और साथ ही साथ अधिक पूंजी भी लगती है। ये कौन सी इकाइयाँ हो सकती हैं, जैसे कि हम रेलवे को ही देखें, वो इतनी बड़ी एक व्यावसायिक इकाई है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे जोखिम भी बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ वहाँ पूंजी भी ज़्यादा लग रही है। तो इसीलिए क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर सार्वजनिक उपक्रमों की व्यवस्था या स्थापना की जाती है। आगे हम बढ़ते हैं अगले लाभ की ओर। अगला लाभ कहता है कि प्राकृतिक साधनों का समुचित शोषण। यहाँ पे क्या होता है, प्राकृतिक साधनों का समुचित शोषण होता है, लेकिन इसका एक उद्देश्य यही होता है कि यह जो शोषण भी किया जा रहा है ये जन उपयोग में ही काम आए या उसी कार्य के लिए आगे बढ़ जाए। अगले बिंदु को देखते हैं या अगले लाभ को देखते हैं, वो कहता है कि एकाधिकार की मनोवृत्ति पर नियंत्रण। अब यहाँ पे क्या होता है, मोनोपोली पर नियंत्रण कर रहा है। जब मार्केट में कोई व्यवसायी अगर एकाधिकार कर लेगा तो उस स्थिति में वो क्या करेगा, वो वस्तुओं को बढ़ी हुई कीमतों में बेच सकता है, साथ ही साथ उनकी क्वालिटी में कमी भी कर सकता है, और क्या कर सकता है, अपने उपभोक्ताओं का शोषण भी कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों का होना आवश्यक है। तो ये भी एक लाभ सिद्ध हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले लाभ को देखते हैं। जो अगला लाभ है वो कहता है नियोजन की सफलता। यहाँ पे जो है नियोजन है वो सार्वजनिक उपक्रम का एक अंग माना जा सकता है, इसलिए यहाँ पे नियोजन की सफलता भी एक मुख्य बिंदु है।
अगला बिंदु जो कहता है मांग व पूर्ति में संतुलन। यहाँ पे जो शासकीय उपक्रम होते हैं या सार्वजनिक उपक्रम होते हैं ये क्या करते हैं, मांग और पूर्ति है ना, उनके बीच संतुलन बनाए रखते हैं। जो कृत्रिम कमियाँ जब उत्पन्न की जाती हैं उनको दूर करने का कार्य भी ये सार्वजनिक उपक्रम ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला लाभ क्या है। अगला लाभ कहता है अकुशल इकाइयों का उन्मूलन। कुछ निजी व्यावसायिक इकाइयां अकुशल जो हैं वो अपना क्या कर रही हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, अपने कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर रही हैं, तो उनके उन्मूलन के लिए भी क्या होता है, इन सार्वजनिक उपक्रमों को सामने आना पड़ता है या उनकी स्थापना करनी पड़ती है। अगला बिंदु कहता है कि स्वस्थ औद्योगिक वातावरण की स्थापना करना। यहाँ पे सार्वजनिक उपक्रम का कार्य यही है कि वह ऐसे वातावरण को बनाए जिससे कि जो औद्योगिक वातावरण है, मतलब ऐसे स्वस्थ औद्योगिक वातावरण का निर्माण करे कि वहाँ कार्य करना इजी हो जाए कार्य करने वालों के लिए। अगला बिंदु कहता है कि धन के वितरण में सहायता करना। निजी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि क्या है, धन का वितरण एक समान नहीं होता, जिससे केंद्रीकरण हो जाता है। तो इस जो ड्रॉबैक है या लूप होल हम कह सकते हैं, ये एक प्रकार की हानि है, उसको सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा दूर किया जा सकता है। जो अंतिम जो लाभ है वो भी कहता है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि। बिल्कुल, ये जो करते हैं सार्वजनिक उपक्रम रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हैं। अब जैसे कि हमने लाभों को देखा, तो अगर हम सार्वजनिक उपक्रम के उद्देश्यों को जाने तो वो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि सबसे पहली बात कि ये राज्य के आय में वृद्धि करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, साथ ही साथ व्यावसायिक क्रियाओं के द्वारा अधिक से अधिक आर्थिक अर्जन या लाभ अर्जन के दृष्टिकोण से भी इनकी स्थापना की जाती है। ऐसे उपक्रम जो कि अकुशल हैं उनके उन्मूलन के लिए भी सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना की जाती है। साथ ही साथ क्या कहता है, रोजगार के अवसर प्रदान करने हों इसलिए भी इनकी स्थापना की जाती है। और जो है निजी इकाइयां जो धन के वितरण में असफल होती हैं, उन जो है विषमताओं से अपने उपभोक्ताओं को या अपनी जनता को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, इन सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की जाती है। साथ ही साथ पूंजीवादी व्यवस्था की जो दोष हैं उससे अपने समाज को मुक्त करने के लिए भी सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना होती है। साथ ही साथ जो अधिक जोखिम और पूंजी वाले जो कार्य हैं या उद्योग हैं उनकी स्थापना भी सार्वजनिक उपक्रम में की जाती है। और अगर हम देखें तो ये जो सार्वजनिक उपक्रम हैं मांग और पूर्ति दोनों के बीच संतुलन बनाने का भी काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने लाभ के बाद अब उद्देश्यों को भी जान लिया। आइए अब देखते हैं कि जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनसे होने वाली हानियां क्या हैं या उनके दोष क्या क्या हैं। जो सार्वजनिक उपक्रम का सबसे पहला दोष आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है लाल फीताशाही का बोलबाला। अब लाल फीताशाही क्या होती है, रेड टेपिंग हमें इस इंग्लिश में कहते हैं, ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो कार्य होता है वो एक फाइल में बंद कर लाल फीते के अंदर रह जाता है। ये क्यों होता है, अब यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी काम करते हैं, अब अगर वो अधिकारी छुट्टी पे चला गया या किसी कारणवश कार्य करने नहीं आ रहा है तो उसकी फाइल्स में वो काम पेंडिंग दबता चला जाएगा। और ऐसे कई कार्य होते हैं जो पेंडिंग वर्क के अंतर्गत आने लग जाते हैं कि वो दबते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर और कार्य आने लगते हैं, तो ये है लाल फीताशाही। दूसरी अगर दोष देखें तो दूसरा दोष कहता है हानियों की उपेक्षा। ये लोग क्या करते हैं कि हानियों की उपेक्षा करते हैं, इससे अपव्यय बढ़ता चला जाता है और अपव्यय बढ़ने की वजह से क्या होता है, कभी आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। अगला जो दोष है वो कहता है अकुशल प्रबंध। अब यहाँ पे क्या होता है, अकुशल प्रबंध भी सामने आता है कई बार, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को अपना जो है वो वर्चस्व दिखाना है, साथ साथ अपने प्रभुत्व को दिखाना है, तो वहाँ पे वो अपने आपको सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए, अपने पावर का या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस तरह की क्रियाएं करते हैं जिससे कि प्रबंध अकुशल रूप से चलने लगता है।
अगला जो दोष है वो कहता है राज्य पर अधिक भार। अब ये जो है वो लाल फीताशाही के कारण ही होता है, क्योंकि इसी कारण से राज्य पर अधिक भार आने लगता है। फिर बात आती है आर्थिक स्वतंत्रता का हनन। यहाँ जो होता है कि एक प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता का हनन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो शासन के प्रबंधन और नियंत्रण के अंतर्गत ही होती है। फिर आती है करदाताओं पर भार। अब क्या होता है, अगर किसी उपक्रम को जो है वो हानि का सामना करना पड़ रहा है, तो इस स्थिति में क्या होती है, जो करदाता जिन्होंने अपनी पूंजी लगाई है उन पर भार पड़ता है और उनको हानि का सामना करना पड़ता है। अगला जो दोष है वो कहता है प्रगति का अवरुद्ध होना। कैसे प्रगति का अवरुद्ध होना, अब यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति जो सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रम में कार्य करते हैं वो उनका अलग वर्चस्व होता है, अपने वर्चस्व को क्या करते हैं बताने के लिए वो क्या करते हैं दूसरों की लेग पुलिंग करते हैं। लेग पुलिंग मतलब किसी भी कार्य को अगर वो ठीक ढंग से होना नहीं देना चाहते हैं तो वो उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रगति का अवरुद्ध होना सामने आता है। फिर बात आती है कि पूंजी के अभाव की स्थापना। अब क्या होता है कि राष्ट्रीयकरण के भय से क्या होने लग गया है, देश की जो पूंजी है वो कई बार क्या होती है विदेश जाने लगती है, जिसकी वजह से पूंजी के अभाव का संभावना पैदा होती है। जो अगला दोष है वो कहता है सत्ताधारी राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो अपने सत्ता का या पावर का इस्तेमाल करते हैं, वो हर छोटे बड़े कामों में अपना हस्तक्षेप दिखाते हैं, जिससे कि कई बार आर्थिक क्रियाओं में क्या है या आर्थिक क्रियाओं के लिए जो डिसीजंस लिए जाने होते हैं वो उसमें समय लगता है और हानि का सामना करना पड़ता है। अगला और अंतिम बिंदु कहता है कि श्रम तथा प्रबंध में संघर्षों का दूषित प्रभाव। निजी कंपनी में क्या होता है, श्रम तथा प्रबंध में संघर्ष पाया जाता है, लेकिन इतना नहीं पाया जाता जितना कि सार्वजनिक उपक्रमों में पाया जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या जाना, सार्वजनिक जो उपक्रम है उसके लाभ जाने, उसके उद्देश्य जाने और साथ ही साथ उसके दोष जाने। आइए अब हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में क्या अंतर है। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। अंतर का आधार पहला लेते हैं हम स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट। तो अगर निजी क्षेत्र में देखें तो इसकी स्थापना निजी व्यक्तियों द्वारा की जाती है, और सार्वजनिक क्षेत्र में देखें तो इसकी स्थापना सरकार द्वारा की जाती है। वहीं दूसरा अंतर का आधार हम लेते हैं स्वामित्व यानी ओनरशिप। तो इसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में देखें तो इस पर स्वामित्व सरकार का होता है। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो कि तीसरे अंतर का आधार है, निजी क्षेत्र में देखते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज को लाभ पहुंचाना होता है। चौथा अंतर का आधार प्रबंध यानी मैनेजमेंट लें तो निजी क्षेत्र का प्रबंध व्यावसायिक नीतियों के आधार पर पेशेवर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, और सार्वजनिक क्षेत्र का जो प्रबंध है सरकारी नीतियों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि ये लोग व्यवसाय के संचालन में दक्ष हों अथवा पेशेवर व्यक्ति हों। पांचवें अंतर का आधार हम लेते हैं वित्तीय व्यवस्था यानी फाइनेंस अरेंजमेंट। तो निजी क्षेत्र की जो वित्त व्यवस्था है वो निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा की जाती है, और सार्वजनिक क्षेत्र की जो वित्त व्यवस्था है सरकार द्वारा की जाती है। छठवां अंतर का आधार हम यह स्वायत्तता यानी ऑटोनोमी लेते हैं तो निजी क्षेत्र में हम देखते हैं अधिकारी गण कार्य संचालन में पर्याप्त स्वतंत्र होते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र में देखते हैं तो अधिकारी गण सरकारी उपक्रम के कार्य संचालन में स्वतंत्र नहीं होते। जवाबदेही जो कि सातवें अंतर का आधार है यानी अकाउंटेबिलिटी, निजी क्षेत्र में देखते हैं तो यह स्वामियों के प्रति जवाबदेह है, और सार्वजनिक क्षेत्र में देखें इसकी जवाबदेही संसद के माध्यम से जनता के प्रति होती है।
आठवां अंतर का आधार गोपनीयता यानी सीक्रेसी की बात करें तो निजी क्षेत्र में इसमें गोपनीयता रहती है और सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षा उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों में गोपनीयता का अभाव पाया जाता है। अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग हम अगर अगला अंतर का आधार लेते हैं तो निजी क्षेत्र में अंकेक्षण करना अनिवार्य है और पब्लिक सेक्टर्स की बात करें तो इनके अंकेक्षण करना अनिवार्य है, कहीं कभी अनिवार्य नहीं भी होते हैं। कुशलता यानी एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें कुशलता को काफी महत्व दिया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें लाल फीताशाही का बोलबाला होता है। तो बच्चों इस तरीके से आपने निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र या निजी एवं सार्वजनिक उपक्रमों में अंतर को जाना। आइए हम देखते हैं कि जो सार्वजनिक अथवा राजकीय उपक्रम के प्रारूप क्या हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनके जो सारे अधिकार होते हैं वो सरकार या राज्य सरकार के हाथ में होते हैं, ठीक है। अब ये जो सारे पावर्स हैं जब सरकार रखती है तो मतलब सारी चीज़ें जैसे कि प्रबंधन, नियंत्रण, संचालन, ये सभी कार्य कौन करेगा? सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो अगर हम बात करें तो वैधानिक दृष्टि से जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं वो गैर निर्गमित और निर्गमित। गैर निर्गमित को इंग्लिश में कहते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड और निर्गमित को इंग्लिश में कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड। अब जो ये निर्गमित और गैर निर्गमित जो दो प्रारूप मैं बता रही हूँ, ये जो दो क्षेत्र हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, इनमें क्या होता है जो उपक्रम आते हैं, जैसे कि अगर हम मान लो कि गैर निर्गमित क्षेत्र में जो उपक्रम आ रहे हैं उनको पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर कोई उपक्रम है वो निर्गमित क्षेत्र में आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि विभिन्न संगठनों से संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत उनको पंजीकरण कराना पड़ेगा। और अब हम इसको और अच्छी तरीके से समझें तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो प्रारूप होते हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला भाग होता है विभागीय उपक्रम, जिसे हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग होता है सार्वजनिक उपक्रम, जिसे हम पब्लिक कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। तीसरा भाग होता है सरकारी कंपनी, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। सबसे पहले हम विभागीय उपक्रम यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप विभागीय उपक्रम से बच्चों क्या समझ सकते हैं, इनमें कौन कौन से उपक्रम आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसमें रेलवे को आप ले सकते हैं, पेपर मिल को ले सकते हैं, डाक तार सुविधा को ले सकते हैं, इवन BSNL को ले सकते हैं और इसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो होती हैं उनको भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने क्या समझा कि ये जो हैं जो व्यावसायिक क्रियाएं या आर्थिक क्रियाएं करने वाले उपक्रम दिख रहे हैं इनको क्या कर दिया गया है, इनको डिपार्टमेंट्स में बांट दिया गया है, ठीक है। और इन डिपार्टमेंट्स को क्या किया जाता है, सीधे एक मंत्रालय से या इनका एक मंत्रालय बना करके उससे जोड़ दिया जाता है। और इनमें जो प्रबंधकों की नियुक्ति होती है वो IAS ऑफिसर्स जो होते हैं उनमें से की जाती है। इस तरीके से विभागीय उपक्रम की रचना या संरचना की जाती है, उत्पत्ति होती है। आगे हम एक परिभाषा देखते हैं और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जो विभागीय उपक्रम है वो क्या है। ये जो परिभाषा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये डॉक्टर हुक ने दी हुई है। उनके अनुसार प्रबंध के लिए विभागीय संगठन सही अर्थ में एक सौमिक संस्था है जिसके कार्यों के लिए इसका अध्यक्ष मंत्री होता है, जो मंत्रिमंडल और संसद के प्रति उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। विभाग का प्रशासन स्वाभाविक रूप से अधिकांशतः वरिष्ठ लोक सेवकों के हाथों में होता है और वित्तीय नियंत्रण राजकोष के अधीन होता है। तो बच्चों इसे क्या समझ में आया आपको कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको मंत्रालय से जोड़ दिया जाता है और जो अधिकार होते हैं वो अधिकांशतः क्या होते हैं, वरिष्ठ लोक सेवकों के हाथ में होते हैं और इनकी जो वित्तीय क्रियाएं होती हैं या जो वित्तीय नियंत्रण होता है वो राजकोष के अधीन होता है। अब जब हमने जब इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता आती है स्थापना या फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम सरकारी विभाग या सरकारी उपक्रम के बारे में चर्चा करते हैं तो उसे क्या कर दिया जाता है, एक सरकारी विभाग बना दिया जाता है और उसे एक मंत्रालय से जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए रेलवेज़ को ही ले लें, तो रेलवे को लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, रेल मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री देखते हैं, है ना। और अगर हम कम्युनिकेशन को BSNL की बात करें तो हम क्या, संचार विभाग, एक संचार विभाग है उसका भी एक अपना मंत्रालय होता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है जो विभाग है या विभागीय उपक्रम है उनका स्थापना की जाती है या उनका फॉर्मेशन होता है। आइए अब हम अगली विशेषता देखते हैं कि दूसरी विशेषता क्या है। जो दूसरी विशेषता है वो है स्वामित्व। अब जो इनका ओनरशिप या स्वामित्व होता है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में होता है या सरकार के हाथ में होता है। तीसरा बिंदु जो है वो है प्रबंध यानी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जो विभाग होता है उसको क्या किया जाता है, एक मंत्रालय से जोड़ा जाता है और जो संबंधित मंत्रालय होता है उसी में उसका एक विभागीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता है और ये अधिकारी ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है या प्रबंधन का कार्य करता है। फिर बात आती है वित्तीय व्यवस्था यानी फाइनेंसिंग की। अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें तो इसमें जो पूंजी का अरेंजमेंट किया जाता है वो किया जाता है सरकारी खजाने से। इसमें क्या होता है कि जनता से उधार मांगने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि इसमें जो आय होती है वो भी क्या की जाती है, विभागों द्वारा या विभिन्न विभागीय उपक्रमों द्वारा जो आय प्राप्त होती है उसको भी सरकारी खजाने में ही जमा किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेलवे से जितना भी प्रॉफिट आता है अगर गवर्नमेंट को, तो वो कहाँ जाता है, पूरी तरीके से वो गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाता है या सरकारी खजाने में चला जाता है हम कह सकते हैं। फिर आती है नियुक्तियाँ यानी अपॉइंटमेंट्स। इनमें क्या होता है, जो अलग अलग विभाग होते हैं वो अपने अलग अलग तरह की एग्ज़ाम्स के थ्रू या एग्ज़ाम्स को शेड्यूल करते हैं या एग्ज़ाम्स करवाते हैं और उसके बाद अपने डिपार्टमेंट यानी विभाग में जो है नियुक्तियाँ करते हैं। अगर आप रेलवे की ही बात करें तो यहाँ रेलवे सर्विस कमीशन एक बोर्ड है जो कि इस तरह की परीक्षाओं का क्या करता है, आयोजन करता है और इसके बाद रेलवेज़ में नियुक्तिकरण का काम होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है प्रथम अस्तित्व नहीं, नो सेपरेट एक्सिस्टेंस। इसमें क्या बात आती है, कोई भी विभाग जो है अपनी संपत्ति को अपने पास नहीं रख सकती, उसे क्या करना है, उस संपत्ति को सरकारी खजाने में जमा करना है। और इस स्थिति में क्या होता है कि कोई भी विभाग जो है सरकार की अनुमति के बिना किसी पर कोर्ट केस भी नहीं कर सकता और कोई व्यक्ति भी उस विभाग के ऊपर कोर्ट केस नहीं कर सकता। अगला बिंदु कहता है प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं, नो एडमिनिस्ट्रेटिव एटोनॉमी। अब इसमें क्या होता है, जो सरकारी विभाग होता है उसमें विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेप पाए जाते हैं, तो यहाँ पे इससे यह बिंदु बताया जाता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं पाई जाती। तो बच्चों ये जो थी वो कुछ विशेषताएं थी जो आपने देखी। आइए अब हम इनके कुछ लाभों को देखते हैं।